बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज आपको सबसे ज़्यादा इजी और मज़ेदार लच्छेदार पराठा बनाने का तरीका बताते हैं, जिसमें तवे के ऊपर घी नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। सबसे पहले पेड़ा बनाना है, सिंपल गोल, जिस तरह सादा रोटी के लिए बनाते हैं। इसी तरह बेल बेल के, तो आप हमारे साथ साथ ये पराठा अपने यहाँ तक देखना है। बहुत ही मज़ेदार पराठा बनेगा इंशाल्लाह। ये देसी घी के साथ मैं तैयार करने वाली हूँ। जो रोटी बनाने के बाद पेड़ा बनाएंगे, जो उसके अंदर घी का इस्तेमाल होगा पराठा बनाने के लिए, वही घी काफ़ी होगा। ये रोटी तैयार है, घी जमा हुआ है, इसे चम्मच के साथ बिल्कुल ये पतली पतली लेयर लेनी है। ये देखिए पतली पतली लेयर जो है, ये सारी हमने रोटी के ऊपर फैला देनी है। तरीका बहुत ईजी है, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ये सारे पराठे के ऊपर देसी घी लगा देना है। मेरी वीडियो आपने अंत तक देखनी है, लाइक शेयर ज़रूर करना है। जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नए नए तरीके, नए नए आइडियाज़ आप तक किसी पहुँचते रहें। मैं ये देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये घी लग चुके हैं, अब हम इसको रोल करेंगे। आराम आराम से इसको गोल करते करते हल्का हल्का प्रेस करना है, ताकि जब हम पेड़ा बनाएं तो इसका बल खुले ना। ये देखें हल्के हल्के बल भी साथ साथ देते जाना है। साथ ही अब गोल पेड़ा तैयार है, देखिए कितना खूबसूरत तैयार हो गया। अब हम इसको रोटी की तरह बेलेंगे आराम आराम से। ये देखें तवे पे पराठा डाल चुके हैं, साइड पे आप देखें घी उसका खुद ही निकला है। अब हमें पूरा पराठा बनाते हुए अलहदा घी का इस्तेमाल नहीं किया करना पड़ेगा। जो पेड़े के अंदर हमने डाले हैं, वही घी इसके लिए काफ़ी है। तो ये अब पराठा तैयार हो रहा है। पराठा तैयार करते करते दूसरी साइड में मैं आमलेट भी तैयार कर रही हूँ साथ साथ। इतना अच्छा बन चुका है, और देखिए इसके साथ ही मैंने आमलेट तैयार कर लिया, वो भी आपके साथ शेयर कर रही वीडियो। साथ ही चाय भी पक रही है, और इसी तरह मज़ेदार लच्छेदार देसी घी के पराठे तैयार हो गए हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।